हे एवरीवन, आप सभी जिस स्मार्टफोन को अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो Xiaomi का Xiaomi 12S Ultra है। क्या आपको पता है Xiaomi 12S Ultra को ग्लोबली 9 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस डिवाइस के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ये डिवाइस इंडिया में कब लॉन्च होगा और ये किस प्राइस पर हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो गाइज, मेरा नाम है सूरज दास और आप सभी का स्वागत है टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करेंगे इस डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहले आपको जो इसमें एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा और इस डिवाइस में बैक में आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगा और फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पिक्चर्स का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सेंटर पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा और पतले पतले चिन और बेजल्स देखने को मिलेगा। रियर की ओर ध्यान दें तो आपको टॉप में कैमरा बम देखने को मिलेगा और कैमरा बम के बीचों बीच आपको सर्कल में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा जहाँ पे 3 कैमरा की हाउसिंग है। और सच बोलो यस गाइस, डिवाइस देखने में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, गुड लुकिंग डिवाइस है ये। अब हम इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको डिवाइस में 6.7 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। इसी के साथ आपको डिवाइस में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और HDR10 हर्ट्ज का सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा और 522 पिक्सल पर इंच डेंसिटी यानी कि PPI देखने को मिलेगा। 12 विजन का भी सपोर्ट आपको डिवाइस में देखने को मिलेगा और इसका जो डिस्प्ले में सबसे ज्यादा क्रेजी चीज है वो ये है कि आपको डिवाइस में 1 बिलियन का कलर रेजुलेशन देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की ओर ध्यान दे तो आपको डिवाइस में गेमिंग करने के लिए मिलता है, मल्टीटास्किंग के लिए मिलता है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है 5G और एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है और ये जो डिवाइस है 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बना है और आपको ये प्रोसेसर ऑक्टा कोर सीपीयू के साथ देखने को मिलेगा जहां पे आपको प्राइमरी कोर मिलेगा 3.19 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक कोर्टेक्स X2 वाले सीपीयू के साथ। बाकी के 3 कोर मिलेंगे आपको 2.75 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक कोर्टेक्स A7110 वाले सीपीयू के साथ। बाकी के बचे 4 कोर मिलेंगे आपको 1.80 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक कोर्टेक्स A510 वाले सीपीयू के साथ। जीपीयू की ओर ध्यान दें तो आपको डिवाइस में मिलेगा Qualcomm Adreno 730 जीपीयू। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है आप इस प्रोसेसर पे हैवी गेम्स को हैवी ग्राफिक्स पे इजीली खेल पाओगे और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत बढ़िया है ये प्रोसेसर। वैसे भी ये डिवाइस अभी हम लोग को 2022 के बहुत सारे फोन्स में देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ आपको डिवाइस में एंड्रॉइड 13 मिलेगा MIUI 14 के साथ और आपको इस डिवाइस में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम एक्सट्रीम लेवल पर बढ़िया देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम इस डिवाइस के रैम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको डिवाइस में 8GB रैम मिलेगा 256GB स्टोरेज के साथ, 12GB रैम मिलेगा 256GB स्टोरेज के साथ और 12GB का एक और वेरिएंट देखने को मिलेगा जिसमें आपको 512GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। रीड राइट स्पीड आपको UFS 3.1 की देखने को मिलेगी और LPDDR5 RAM टाइप भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये जो डिवाइस है आप इस डिवाइस में मल्टीटास्किंग, गेमिंग, हैवी ग्राफिक्स पे गेमिंग हर चीज कर पाओगे। डिवाइस में आपको लैग, शटर, फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। कैमरा की ओर ध्यान दे तो आपको डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि OIS सेंसर के साथ आएगा। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा सेकेंडरी में आपको। टर्सरी कैमरा आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जो कि OIS के साथ आएगा और आपको 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो में 5x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आप रियर पे 8K पे 24fps तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे और 4K पे 60fps तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट की ओर ध्यान देते आपको डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा जहां पे आप 4K पे 60fps तक वीडियो इजीली कैप्चर कर पाओगे। मल्टीमीडिया की बात करें तो आपको डिवाइस में डुअल स्टूडियो स्पीकर्स देखने को मिलेगा जिससे आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा साउंड का। और इसी के साथ आपको जिसमें टाइप सी का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। यस दोस्तों, आपने से सुना, आपको जिसमें 3.5mm का ईयरफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा, टाइप सी कनेक्टर देखने को मिलेगा। फीचर्स की ओर ध्यान देते आपको जैसे फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट, अंडर डिस्प्ले, ऑप्टिकल स्कैनर देखने को मिलेगा और सेंसर्स की ओर ध्यान देते आपको जिसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम, बैरोमीटर एंड मोर सेंसर्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब हम इस के बैटरी मैनेजमेंट की बात करें तो आपको जिसमें 4860mAh की बड़ी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, 4860mAh की बिग बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, इसका मतलब ये जो डिवाइस है आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे देगा। इसी के साथ चार्जिंग की बात करें तो आपको 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा जो कि वायर वाला होगा जहां पे आप 100% चार्ज 41 मिनट में कर पाओगे, ऐसा कंपनी का कहना है। इसी के साथ आपको इसमें 50W का वायरलेस फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा जहां पे आप अपने 100% बैटरी को 52 मिनट में चार्ज कर पाओगे और 10W का रिवर्स वायरलेस चार्जर का भी सपोर्ट आपको डिवाइस में देखने को मिलेगा। अब हम डिवाइस का इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो आपको डिवाइस का इंडिया लॉन्च डेट 3rd वीक या 4th वीक का अक्टूबर में देखने को मिल सकता है और ये डिवाइस डेफिनेटली अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग लीक है। और अब हम डिवाइस के प्राइस की बात करें तो हमें डिवाइस का प्राइस जो है 78,000 का अराउंड देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 80,000 हो जाता है। परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच है, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, एवरीथिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और डिस्प्ले भी एक ग्रेड लेवल का दिया गया है तो अपने प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक रहने वाला है। तो बस गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी ना लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो क्यों अच्छी ना लगी ताकि हम उस चीज़ पर ध्यान दें और नेक्स्ट टाइम हमको और भी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव कॉन्टेंट देने का कोशिश करें।